विधानसभा सत्र के स्थगन को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर इस मुद्दे में एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं। सुजानपुर में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने जहां बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो वहीं हमीरपुर में प्रदेश परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना वजह से ही हर मुद्दे पर राजनीति पर उतारू रहती है, और अगर सरकार विधानसभा सत्र बुलाती है तो विपक्ष कोविड के नाम पर हल्ला करता है, और जब सत्र को स्थगित करती है तब भी कांग्रेस इस पर फिजूल में बयानबाजी कर रही है। विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के बयानों पर भी जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने कोविड के प्रति पूरी सतर्कता बरती है और अब नई गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने राठौर को आमंत्रित करते हुए कहा कि वे कोविड नियंत्रण के लिए अपने सुझाव दें ताकि कोविड पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं कोविड के मामलों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र भी स्थगित किया है आगामी आदेशों तक, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं कि विपक्ष का सामना ना कर पाने के कारण से इसको स्थगित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी अपनी गलतफहमी है और उनको पता भी है कि उनके अपने विधायक, बहुत अधिकांश विधायक इस पक्ष में थे कि ये सेशन ना हो, क्योंकि कोविड के कारण से स्थितियां कुछ पहले से खराब हो रही हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए वो आज ऐसा बयान दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि प्रदेश की सरकार हमेशा सजग रहते हुए इस प्रदेश के आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए काम कर रही है और उसके लिए अनेकों उपाय भी किए हैं और आने वाले दिनों में जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे वो लेंगे भी, और ये निर्णय भी उसी संदर्भ में लिया गया एक निर्णय है। और उसके लिए कई बार बोलते हैं कि जी पहले आपने डिसाइड कर दिया फिर उसको कैंसिल किया, तो काल और परिस्थितियों को देखते हुए सरकारों को निर्णय लेने पड़ते हैं और इस करके निर्णय लिया गया है वो जनता के हित में अच्छा निर्णय है, इस करके इसका स्थगन हुआ है। उनको केवल राजनीति दिखती है, लेकिन जब इसको स्थगित नहीं करते तो बोलेंगे जी आपने कोरोना के समय में क्यों कर दिया, तो इस करके उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो आखिर में चाहते क्या है। जब कोई काम करते हैं तो बोलते हैं क्यों किया, जब नहीं करते हैं तो क्यों नहीं किया, तो भैया आप चाहते क्या है, लोगों की सुरक्षा चाहते हैं कि आप सेशन चाहते हैं, सेशन को स्थगित करते हैं, तो इनको लगता है कि ये पलटू सरकार है, ये डिसीजन क्यों पलट रही है। लेकिन एक और अध्यक्ष ये कहते हैं उनके कि ये सीरियस नहीं है, इसके ज़्यादा और क्या सीरियस होना, हमने हर क्षेत्र में हर जगह सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटर अपने आप करते हैं, पूरी जगह अपने जो मैंने कहा प्री फैब्रिकेटेड कोरोना कोविड केयर सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है, इसके साथ साथ 8,000 से ज़्यादा टीम्स लगाई हैं, इसके ज़्यादा हम रैंडम सैंपलिंग करके और बाकी चीज़ों को करके वो कर रहे हैं, आज सोशल गैदरिंग्स के ऊपर अंकुश लगाया गया है, आज नाइट कर्फ्यू जब हमने लगाया, जब हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं तो इनको लगता क्यों कर रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या करना है। मैं राठौर जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने सुझाव दें, आप बड़े लर्नर व्यक्ति हैं तो बताएं कोविड केयर को क्या क्या करना चाहिए हमें, जो काम नहीं कर पा रहे हैं।